ये लीजिए मैडम, आपके 400 रुपए हो गए। भाई साहब, वो क्या है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपसे रोजाना सब्जियां लेकर जाती हूँ, आपको इस सब्जी के पैसे अगले हफ्ते दे दूँ चलेगा? अरे मैडम, मैंने यहाँ पे कोई समाज सेवा नहीं खोल रखी है कि कोई भी आएगा फ्री में सब्जियां मांगेगा और कहेगा कि अगले हफ्ते दे जाऊंगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, वरना ये सब्जियां वापस दीजिए। भाई साहब, आपको हर बार तो पैसे देकर जाती हूँ मैं, क्या है ना इस बार मेरी तनख्वाह देर से आएगी और घर में गैस भी खत्म हो गई है। 200-400 रुपए मेरे पास पड़े हैं, लेकिन किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे, गैस भरवानी पड़ेगी, तभी तो सब्जी बनेगी। साहब आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया साहब, बहुत भूख लगी है। नहीं 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 मैडम, वो चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपको बिना पैसे के सब्जी नहीं दे सकता। पैसे दीजिए और ले जाइए सब्जी। साहब आपसे विनती कर रही हूँ, ले जाने दीजिए सब्जी, बहुत भूख लगी है सच में, सुबह से कुछ नहीं खाया साहब, मैं पैसे दे जाऊंगी अगले हफ्ते। अच्छा, तो आपको सब्जियाँ चाहिए, एक काम कीजिए, ये सब्जियाँ रहने दीजिए, आप ना मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ पे आपको सब्जियाँ देता हूँ मैं। भाई साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप, आपके घर पे जाके क्यों? अरे मेरे घर में इससे भी अच्छी सब्जियाँ पड़ी हैं, आप चलिए तो सही, घर जाके आपको अच्छे से सब्जियाँ देता हूँ। साहब आप घर जाके मेरे साथ कुछ? अरे कैसी बात कर रही है मैडम आप चलिए तो सही, आपको सब्जियाँ ही दूंगा, आप चलिए चलिए, आइए मेरे साथ मेरे घर, आइए आओ, आराम से इधर बैठो 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 बैठो। माँ। हाँ बेटा, ये कौन है? ये आप अपनी माँ के कान में क्या बोल रहे हो? आप लोग पक्का मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हो ना, मुझे लगता है मैं गलत घर में आ गई, मुझे जाने दो। अरे शांत शांत, आराम से बैठो, माँ लेके आइए, आराम से बैठिए बैठिए। ये लीजिए खाना। आप कह रही थी ना कि आप बहुत भूखी हैं, आपने कुछ नहीं खाया, तो आराम से पहले बैठ जाइए और ये खाना खा लीजिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मुझे लगता है आपने गलत मतलब निकाल लिया मेरी बात का। मैं कह रही थी मुझे सब्जियां लेकर जानी है, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया सुबह से। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे बच्चों के लिए भी खाना पैक कर दिया। माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। जब भाई साहब मुझे इस घर में लेकर आए तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ कुछ गलत, लेकिन मैंने कितना गलत सोचा, आप तो भगवान का रूप बनकर आए हो, मुझे खाना खिला रहे हो, मेरे बच्चों के लिए खाना दे रहे हो। मैं ये खाना लेकर अभी घर पहुंचती हूँ। ये लो बेटा, तुम्हारी तनख्वाह अभी देर से आएगी ना, तुम्हें इन पैसों की जरूरत होगी, तो तुम ये रख लो, घर में काम आएंगे। शुक्रिया माँ जी, आप नहीं जानते आप कितना बड़ा एहसान कर रही हो मुझ पर। भाई साहब ये पैसे ना अगले हफ्ते मैं आपको ठेले पे दे जाऊंगी पक्का। अरे नहीं नहीं, ये पैसे वापस देने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। अब भगवान की दया से इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम किसी की मदद ना कर पाए तो फिर उस चीज का फायदा ही क्या? भाई साहब मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर पहले ठेले पे तो आप इतना अजीब व्यवहार कर रहे थे मेरे साथ, जो सब्जी देने से मना कर दिया, और अब आप ऐसे मेरी मदद कर रहे हो घर लाकर। देखो बहन, वो मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी है, मैं वहाँ पे पैसे कमाने के लिए जाता हूँ। आज आप मेरे पास सब्जियाँ उधार मांगने आई थी, तो कल को कोई और आएगा तो मैं तो यही करता रह जाऊंगा ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको अपने घर लेके चलता हूँ और माँ के हाथ से बना हुआ आपको खाना दे देता हूँ, जिससे आपकी भूख भी मिट जाएगी। और आप ही सोचिए, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? अच्छा आप समझ में आई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई साहब। क्या है ना, मैं रोजाना आपके ठेले से सब्जी लेकर जाती हूँ, मुझे लगा था कि आप पैसे के बिना मुझे सब्जी दे दोगे, पर जब आपने मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं तो घबराई गई थी कि अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगी आज, लेकिन आज आप लोगों ने इतना बड़ा एहसान किया, मुझे खाना दिए पैसे दिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। हाँ बहन, और ये लो ये खाना लेके जाओ, अपने बच्चों को खाना खिला देना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। शुक्रिया भाई साहब। कोई बात नहीं बेटा, आगे से कभी भी मदद की जरूरत हो ना तो इसके पास जाने की बजाय सीधा मेरे पास आ जाना, मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। माँ जी आपने पराए शहर में भी मुझे अपनेपन का एहसास कराया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, इंसान ही इंसान के काम आता है। माँ जी मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे बहुत भूखे होंगे। शुक्रिया।